दोस्तों नमस्कार। बड़े हैरत की बात है, अभी तक ट्वेल्थ के रिजल्ट नहीं आए हैं। ना सीबीएसई बोर्ड का आया है, ना यूपी बोर्ड का आया है, ना आईसीएसई बोर्ड का आया है। वहीं दूसरी तरफ बरेली के एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने स्नातक में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है, यानी ऑनलाइन एडमिशन लेने का लिए फरमान जारी हो गया है, ऐसा अखबारों में भी छपा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि स्नातक में जिनका प्रवेश लिया जाना है उनके परीक्षा परिणाम ही नहीं आए। वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं बीच में ही रोक देनी पड़ी कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से, आज तक कापियां भी न जच पाई हैं। सेंट्रल इवोल्यूशन होता था, केंद्रीय मूल्यांकन होता था विश्वविद्यालय कैंपस में, चूंकि लॉकडाउन की वजह से ना केवल बरेली बल्कि आसपास जिलों के टीचर भी नहीं आ पाए, दूसरे मंडलों से भी शिक्षक नहीं आ पाए हैं, कापियां कैसे जचें। इस बात को लेकर रूटा के नेता बीपी सिंह ने कुलपति को एक पत्र भी लिखा है। वहीं माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता डॉक्टर रणविजय सिंह यादव ने भी माध्यमिक शिक्षा विभाग से अपील की है कि किस प्रकार कॉपियों का मूल्यांकन कराया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ छात्र नेताओं ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिनको हम इस खबर में आपको सुनवाने भी जा रहे हैं। जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। वर्तमान परिस्थितियों में विश्वविद्यालय परिसर में मूल्यांकन केंद्र बनाकर केंद्रीय मूल्यांकन करा पाना इस पर संभव नहीं लग रहा है। विश्वविद्यालय में केंद्रीय मूल्यांकन कराने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में कठिनाइयां अवश्य आएंगी और तमाम शिक्षक अपने को वहां जाकर कापी जांचने में असहज महसूस करेंगे। उन्हें लगेगा कहीं ना कहीं कोई उनको बीमारी न पकड़ ले। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने रूटा महासचिव डॉक्टर सुदेश सिंह के माध्यम से अपने माननीय कुलपति जी से आग्रह किया है कि इस वर्ष केंद्रीय मूल्यांकन न करा के समस्त उत्तर पुस्तिकाओं की कोडिंग कराएं और उन कापियों को शिक्षकों को घर पर भेज दें ताकि शिक्षक घर बैठकर उन कापियों को मूल्यांकन कर लें। ऐसा करने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, समय से मूल्यांकन भी निपट पाएगा। मूल्यांकन लॉकडाउन से पहले कराना ही है, तब गृह मूल्यांकन करा लिया जाए, क्योंकि संगठन का स्पष्ट मानना है इन सामान्य परिस्थितियों में मूल्यांकन कराने पर एक एक मूल्यांकन केंद्र पर 500 से 1000 तक परीक्षक एकत्र होंगे और इन परिस्थितियों में उन शिक्षकों के साथ साथ उनके परिवार एवं समाज की जान को जोखिम में डालकर 5 मई से होने वाला मूल्यांकन बहुत ही खतरनाक होगा। इस रोहिलखंड विश्वविद्यालय के स्तर से इस चीज़ के लिए मांग करता हूँ कि जो भी परीक्षाएं जो किसी कारणवश जो है लॉकडाउन की वजह से जो है छूट गई थी और नहीं हो पाई थी, तो उसमें प्रथम व द्वितीय वर्ष के जो छात्र व छात्राओं को जो है वो पदोन्नत किया जाए और इसके साथ साथ जो साथ ही साथ में जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनको जो है 10% अतिरिक्त अंकों के साथ पिछले प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नत किया जाए। और इसके अलावा जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनकी कॉपियां जो चेक नहीं हुई हैं उनके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, उसके लिए कोई व्यवस्था की जाए, उस जहाँ भी कॉपियां चेक हो वहाँ सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जाए, सामाजिक दूरी का, और वहाँ की जो कॉपियां हैं उसको ऐसे सैनिटाइज किया जाए कि कॉपी को भी नुकसान न पहुँचे और जो भी टीचर हैं उन्हें ग्लव्स और मास्क का उनके लिए उपलब्ध कराया जाए।